तो गाइस अभी फाइनली हमारी बाइक हो चुकी है कंप्लीट। आप जिसका वेट कर रहे थे वो टाइम आ चुका है। तो गाइस देखो यहाँ पर अपनी बाइक चालू हो चुकी है, दूसरी बार जा रहे अनिल भाई के पास। हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ था TD 100 उसको निकाल देंगे। सो गाइस व्हाट्सएप कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड कल का व्लॉग आपने देखा, उसमें मैंने ब्लैक कलर का जो ग्राफिक किया था ना उसमें आपको पसंद आया स्टिकर, बट उसमें TD 800 जो लिखा हुआ है ना बड़ा फंट वो आपको पसंद नहीं आया। कोई नहीं, निकाल देंगे आज एंड वहाँ पे कुछ और करेंगे, जो आपको पसंद आएगा वैसा करेंगे। चलो देखते हैं वहाँ जाके क्या करना है। कल हमने आधा काम वहीं पे छोड़ दिया था, रात को 2:30 बज चुके थे इसके लिए, तो आज स्टिकरिंग का काम खत्म करेंगे। तो चलो फटाफट, बाइक अभी मीनू भाई के शॉप पे है, वहाँ से निकल के हमको अनिल भाई के वहाँ पे ले जाना है। चलो 2 बज चुके हैं एंड थोड़ा काम पे थे हम। एंड यहाँ पे हमारी बाइक देख लो, मतलब कल रात को आपको ठीक से नहीं दिखा हुआ है बट अभी देख लो यहाँ पे। तो सच में यार ये जो लिखा हुआ है TD 800 अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ डिफरेंट करो TD 800 में, रहें यहाँ से देख लो साइड से एंड अपन ना यहाँ पे लिखवाने वाले हैं TD 800, यहाँ पे लिखवाएंगे। चलो जाते हैं भाई के शॉप पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर अपनी बाइक चालू हो चुकी है, दूसरी बार जा रहे अनिल भाई के पास। तो चलो अभी अनिल भाई के शॉप पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे अपना काम चालू होता है। सबसे पहले तो हमको जो हमने TD 800 लिखा हुआ है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो निकाल लेंगे। अनिल भाई भाई ये निकालना है TD 800 निकाल देंगे। चलो निकाल देंगे, बोला निकाल देंगे। एंड यहाँ पे आएगा 46 जो अपना फेवरेट है, VR 46 वैलेंटाइन रोसी वो करेंगे। मीनू भाई बोल भाई जा रहे हो आप? बस है ना, ये 3 दिन बाद मिलेंगे। अब मीनू भाई चाबी देके गए मुझे शॉप की, क्योंकि अपनी बाइक ना ऊपर रखने के लिए सॉली दे तो मीनू भाई नहीं आने वाले। कोई नहीं मीनू भाई अच्छे से इंजॉय करो, 3 दिन तो फुल मौज होगा। दौल भाई फुल मौज, ऐसा तो क्या करोगे, सब घूमेंगे, खाना पीना घर वालों के साथ इंजॉय करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, है ना? नहीं आप इंजॉय करो, हमारा तो यही काम है यार। सुबह कल आना है आपको मेरे घर। अच्छा ओके ओके ओके, मिलने जाएंगे मीनू भाई को कल। मीनू भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। अगर सबने जो हम यहाँ पे लिखा हुआ था TD 100 उसको निकाल देंगे। हम बाइक बाहर बने रहे थे बट बाहर पब्लिक तो देखो गाइस बाइक लेने के लिए, मतलब देखो मतलब कितनी सारी पब्लिक है। बाजू वाला चाय वाला है ना उसका काम चल गया है यार, मतलब बहुत लोग बैठे बैठे चाय पीते हैं बाइक देखते हैं। तो गाइस अभी आज भी 9 बज चुके हैं, अनिल भाई को काम इतना होता ना कि बात ही मत पूछो, मतलब हो चुका है सब काम खत्म, अपना काम चालू है साथ साथ में कर रहे थे। अभी बाकी क्या रहा, हमने जो लिखा हुआ था TD 800 उसको निकाल दिया एंड अपन कुछ और फंड में सिर्फ अपन 800 लिख रहे हैं, सीसी नहीं लिख रहे हैं, नाइट TD लिख रहे हैं। एंड जो टेल के नीचे लिखना है वो लिखना है हमको 800 CC, तो वो कटिंग हो चुका है। चलो लगाते हैं। चलो चलो तो देखो यहाँ पे हमने TD 800 निकाल दिया, अभी सिर्फ रखना है 800 बस और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा 800 CC, मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा था इसके लिए हमने TD 800 निकाल दिया बट अभी ये वाला रखेंगे बस आएगा। चलो इतना बड़ा 800 800 लग रहा है ना, 800 ये परफेक्ट लग रहा है, मतलब पूरा रेसिंग का लुक आ रहा है। एंड नीचे लिखा हुआ है देखो सेल्फ कस्टम, तुम्हारे भाई ने बनाया हुआ है इसके लिए 46 विंग्स एंड 800 CC और भी लिखेंगे यहाँ पे, कुछ लिखने को सोच रहे हैं यहाँ पे अपन लिखेंगे।
सो गाइस व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। एंड आज ईद है तो सबको ईद मुबारक। एंड कल हमारा जो काम चल रहा था ना वो वहीं पे स्टॉप हो गया था, रात को थोड़ा काम बाकी था इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। एंड रात को ना उतने थके हुए होते ना तो वीडियो बनाने का उतना मन नहीं होता, बट आज आपको पूरा दिखाएंगे कि हमने क्या क्या काम किया है एंड क्या क्या बाकी है। मतलब अभी भी हमारा ग्राफिक का काम बाकी है, आज एक दो घंटे में काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखा देंगे कि बाइक का लुक कुछ ऐसा आने वाला है, फाइनल लुक आज आने वाला है बाइक का। तो आज ना बहुत ही मज़ा आने वाला है, मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ कि आज अपनी बाइक कंप्लीट होने वाली है। मैगी के ऊपर भी हमको ब्लैक कलर का ग्राफिक करवाना है एंड साइड की पहना बहना सब कुछ तो कर दिया है, बस छोटा सा काम बाकी है वो आज हो जाएगा। एंड आज आपको बाइक दिख जाएगी, हमारी जो बाइक बन रही थी आज उसका फाइनल लुक आने वाला है। चलो तो गाइस अभी फाइनली हमारी बाइक हो चुकी है कंप्लीट, आप जिसका वेट कर रहे थे वो टाइम आ चुका है। ना ही हमने कोई इवेंट रखा है, ना ही हम इसको रिवील करने वाले हैं। आपको पता ही है कि अपनी बाइक कैसे बनने वाली थी, पीछे ये आपके सामने है, ग्राफिक वाफिक सब कुछ ए टू जेड कम्प्लीट हो चुका है, बस एक ही काम बाकी है उसका सीट तो करेंगे बाद में, बट अभी फाइनल लुक उसका आ चुका है। तो आपको दिखा देते हैं बाइक, देख लो अपनी बाइक कैसी लग रही है, मतलब पता ही चलता ही नहीं है कि हाथ से बना बाइक है। ग्राफिक वाफिक पेंट फिनिशिंग आपको सब कुछ बताएंगे दिखाएंगे भी, तो देख लो अपनी बाइक मतलब यहाँ से क्या लग रही है, मतलब सब लोग ना हमको ही देख रहे हैं। हमने मीनू भाई के शॉप पे क्यों रिवील नहीं किया, क्योंकि मीनू भाई है नहीं एंड ट्रैफिक इतना होता है ना वहाँ पे कि बात ही मत पूछो। इसके लिए हम बावला के बाजू में आ गए, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम लोग आते जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे अपन पूरी आपको डिटेल दे पाएंगे इसके लिए। अपने बाइक देख लिया, लुक कैसा आ रहा है कमेंट जरूर करना। एंड आपने बताया था कि जो पहले लिखा हुआ था टीडी 800 वो निकाल दो, तो वो निकाल दिया, सिर्फ हमने 800 लिखा हुआ, देखो 800, मतलब मैंने फोटो रखा हुआ था कम्युनिटी पोस्ट पे कि आपको कौन सा पसंद आता है वो ओपन करने वाला है। तो बहुत सारी कमेंट 4 नंबर के ऊपर आई, इसलिए हमने 4 नंबर वाला लगा दिया 800 cc। फन ना बहुत ही सेक्सी लग रहा है, पूरा रेसिंग वाला फील देता है। देखो यहाँ पे हमने 46 किया हुआ है जो कि लुक ना मतलब और भी स्पोर्टी लुक आता है, ये मेरा फेवरेट है 46, मैंने आपको पहले बताया वैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो सेल्फ कस्टम, तुम्हारे भाई ने बाइक बनाई हुई तो सेल्फ कस्टम तो लिखना बनता है, तो अच्छा लग रहा है इसके लिए लिख दिया। एंड थोड़ी जगह थी यहाँ पर, हमने 3 विंग्स लगाई, विंग्स भी बहुत ही प्यारी दिख रही है, मतलब हम जो बनाने जाते ना वो वाली विंग्स वो थोड़ी हैवी रहती एंड वेट के हिसाब से डैमेज होती है, मैंने सोचा कि चलो ग्राफिक में ही विंग्स बना देते हैं, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड यहाँ पे देखो फ्रंट लुक पे, फ्रंट लुक जो आ रहा है ना मतलब दूर से लोग देखते हैं ना तो बहुत ही प्यारी बाइक दिखती है। तो रेड वाइट का कॉम्बिनेशन एंड बीच में हमने स्टिकरिंग किया है जो कि ऊपर से बड़ा है नीचे से छोटा छोटा आता है, वो भी कुछ अच्छा लुक देता है उसका। एंड देखो यहाँ पे 46 आगे भी मस्त लग रहा है, मतलब पूरा रेसिंग बाइक दिखता है। तन्ना धवल लिखा हुआ है, एक ही साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे ओनली, क्योंकि एक ही साइड अच्छा लिखता है तो एक ही साइड लिख दिया तन्ना धवल। एंड देखो यहाँ पे मडगार्ड पे भी हमने छोटा सा यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है। एंड टैंक पे देख लो, टैंक पे भी हमने यहाँ पे किया हुआ ग्राफिक, देखो ब्लैक ब्लैक। रेड जो है ना, रेड तो पूरा पेंट ही है, वाइट भी पेंट ही है, बट सिर्फ ये ब्लैक है ना वो ग्राफिक है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ टीडी, मतलब काऊ ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो उसको भी हमने लिख दिया टेल में, ऊपर भी ग्राफिक किया हुआ है एंड नीचे 800 cc। मतलब बहुत सारी बाइक पे ना टेल के ऊपर ही लिखा होता है कि वो कितनी cc का बाइक है, तो आपको पता है कि हमने गाड़ी का बाइक बनाया हुआ है तो इसका cc है 800, जो कि पावर ना खतरनाक है। अभी मैं चला के लेके आया, मज़ा आ गया सच में। तो गाइस अभी बात करते हैं इसका बैक लुक का, ये जो टायर है ना वो जो लुक देता है ना वो तो खतरनाक, मतलब लोग ना पीछे टायर ही देखते हैं कि क्या टायर लग रहा है। तो देख लो टायर हमारा है 240mm का जो हमने पूरा मैनुअल बनाया हुआ है। एंड देखो टेल, उसके नीचे अंडर दो ड्यूल एग्जॉस्ट, वो भी मस्त लुक दे रहा है। एंड स्विंगम, स्विंगम के ऊपर देखो ये वाला है ना पेंट है एंड ये वाला स्टिकर किया हुआ है हमने, वो भी बहुत ही मस्त लग रहा है। मतलब देख लो, मतलब छोटे से छोटा आइटम हमने
बहुत ही सोच सोच से किया हुआ है, अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा ही मुझे पता है। एंड आप सोचो कि ये फाइबर का बनाया हुआ है, मतलब हाथ से बनाया हुआ फाइबर है, तो भी इतना मस्त फिनिशिंग किया हुआ है उस्ताद ने। उस्ताद तो आज नहीं आया, नहीं तो मैं आपको सबसे मिलवा था, सब लोग आज बिजी है, अपन ही फ्री है, अपन को बनाना था बाइक, अपन को बाइक दिखाना था आपको, इसके लिए अपन कुछ भी काम छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं। देखे ना, तो 6 से 7 महीने हो चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में, एंड अभी हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता है। अभी जो होगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएंगे, कितना खर्चा हुआ एंड इसकी टॉप स्पीड क्या है, माइलेज कितनी देती है, इसका वेट कितना है, वो सब कुछ आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बट उससे पहले कि हमको ग्राफिक करवाना था, आज हो चुका है ख़त्म। देखो आप बाइक, मैं तो बार बार इसको ही देख रहा हूँ, जो लुक दे रहे हैं ना वो सब, कि अभी जो साउंड आ रही है ना वो साउंड नॉर्मल ही आ रही है, हमने कुछ सेटिंग नहीं किया। सोहेल भी आने वाला है, इसका साउंड का ट्यूनिंग बुनिंग सेट करने वाला है। चालू करते बाइक एंड इसका साउंड सुनते, चलो। पीछे से ना फटाके की आवाज आ रही है, बैक फायर तो होगा ही, रात को देखेंगे। तो चलो आपको इसकी छोटी सी देते हैं फ्लाई बाई। तो आपने इसका लुक देख लिया, इसका आवाज सुन लिया, इसका स्पीड भी देख लिया, बट टॉप स्पीड के लिए तो अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी आज कुछ नहीं करना है, बाइक को रख देना मीनू भाई के शॉप पे, कल बाहर निकालेंगे एंड इसका वीडियो बनाएंगे पूरा। तो पे व्हील के ऊपर हमने व्हाइट कलर का स्टिकरिंग किया हुआ है एंड पीछे ब्लैक कलर का, सही है। तो हमको आपको यही बताना है कि हमारी बाइक हो चुकी है कम्प्लीट, अभी मज़ा आएगा बाइक की वीडियो बनाने में। तो कल इसके वीडियो बनाएंगे, इसका कितना खर्चा हुआ, टोटल खर्चा अभी तक जितना खर्चा किया सब आपको बताएंगे, पूरा लिस्ट बना के। एंड इसका वेट कितना है, जहाँ पे बड़े बड़े गाड़ी का वेट होता है वहाँ पे ले जाएंगे इसको, इसका वेट करवाएंगे एंड आपको दिखाएंगे। एंड मैंने पहले 2 वीडियो बोला था कि मुझे वीडियो पे लाइक चाहिए 25K, वो तो आपने इजीली कर दिया यार, एंड 20K बोला था वो भी आपने इजीली कर दिया। तो ये वीडियो पे अपन लाइक एम रखते हैं 35K, इतना बनता है, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कितनी लाइक चाहिए वो अपना एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हो। तो मुझे ये वीडियो पे कुछ भी करके 35K लाइक चाहिए, आपको करना है बस फटाफट लाइक का बटन ठोको, कमेंट करो एंड तुम्हारे भाई की चैनल सबको दिखाओ। तो बस के साथ इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।